चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दुआ खाने से पहले इज्तनाब करें। दुआ खाने से पहले एक्सपायरी तारीख ज़रूर देखें। दुआ का नाम गूगल पर सर्च करके इसके फ़ायदे और नुकसान से आगाही हासिल करें। एक अनार के छिलके को साए में सुखाकर अच्छी तरह पीस लें और एक चुटकी असली शहद एक चम्मच में मिलाकर खाने से ख़तरनाक खांसी में आराम आ जाएगा। 3 मरतबा इस्तेमाल करें और आधे घंटे तक पानी ना पिएं। अंजीर के फ़वाद। अंजीर कैंसर से बचाती है, दिल के आर्जे से बचाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकती है, हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। अंजीर खाने से जिस्म में और भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। चेहरे पर काले निशान को ख़त्म करना। चावलों को पीसकर इसमें हम वजन बेसन और तरबूज का पानी मिलाकर लगाएं। इससे दानों के बाद जो काले काले निशान रह जाते हैं ख़त्म हो जाएंगे। सेब या आलू छील कर या काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। इससे बचने के लिए इनको ठंडे पानी में डाल कर रखें। अंडे से पाँव को अंडे जैसा बना लें। हर 15 दिन के बाद अंडे की सफ़ेदी से अपने पाँव का मसाज करें। आपके पाँव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और अंडे जैसे ही हो जाएंगे। खूबसूरत सिल्की बाल सिर्फ इन 2 चीज़ों से, रोगने बादाम और अंडे की जर्दी बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और कंडीशनर की मानिंद है। इससे सर पर जमा मुर्दा बैक्टीरिया उखड़ जाते हैं, बाल मज़बूत लंबे चमकदार और घने हो जाते हैं। आप हफ्ते में ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम रोटी धोकर इस्तेमाल के फवायद। रोटी जब पक कर तैयार हो जाए तो फौरन गर्मा गर्म रोटी के दोनों तरफ पानी बहाएं। जैसे ही इस पर पानी बहाएं गे भाप निकलेगी। भीगी हुई रोटी को 3 मिनट के लिए रख दें। जब रोटी ठंडी हो जाए तो खा लीजिए। रोटी खाने वाला हमेशा गैस, बादी अल्सर और मेदे के इमराज से महफूज रहेगा। यूरिक एसिड का इलाज। यूरिक एसिड का इलाज सेब का सिरका 1 चम्मच, इसमें 1 लीमू निचोड़ें और फिर 1 छोटा सा चम्मच शक्कर मिलाकर इसमें कम से कम 2 मरतबा, इसको दिन में कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। वज़न कम करने के लिए ख्वाहिशमंद सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। 100 ग्राम कलवंजी और 2 लीमू। कलवंजी को लीमू के रस में भिगोकर खुश कर लें और पीस लें। सुबह शाम सिर्फ 1 चुटकी खाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों में ही आराम आ जाएगा और वज़न कम हो जाएगा। खुश्क बालों के लिए। खुश्क बालों के लिए बालों की जड़ों में नीम गरम जैतून का तेल उंगलियों के पोरों से अच्छी तरह जज़ब करके बालों में लगाएं।
दो अदद केले जो अच्छी तरह घोटे हों, सर में अच्छी तरह मल कर कुछ देर के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इंशाल्लाह बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और बाल नरम मुलायम और मज़बूत हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे।